आजकल एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसा कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, और इस तरह कुछ और एप्लीकेशन जो इसमें स्टोर हैं, जब ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो ये तमाम एप्लीकेशन ऑफिस के साथ ही। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को चलाने के लिए, इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे आएंगे। स्टार्ट मेन्यू में आल प्रोग्राम, आल प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको ये फोल्डर नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर के बीच में आपको यहाँ पर पावर पॉइंट का ये प्रोग्राम नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पावर पॉइंट रन हो जाएगा। पावर पॉइंट को आप लोग ये देख रहे हैं कि ये इसका लेआउट है, ये सारा पावर पॉइंट का लेआउट कहलाता है। इसका लेआउट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इसके लेआउट में कौन सी चीज क्या कहलाती है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाली लाइन, यानी ये अपर लाइन, फर्स्ट टॉप लाइन, यहाँ लिखा होता है ये प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट की फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन वन होता है। ऐसे जितनी फाइलें आप बनाते रहेंगे, प्रेजेंटेशन वन, प्रेजेंटेशन टू और सो ऑन, ऐसे जब आप इसको सेव करते हैं तो ये नाम चेंज भी हो जाता है। सपोज यही फाइल का नाम आप MCCS कर लेते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये इसका टाइटल नेम है, जो कि प्रोग्राम का टाइटल नेम होता है, और मोस्टली टाइटल नेम यहीं पर होते हैं। सबसे पहले इस आप बटन को देखें, ये क्लोज बटन है, इसे क्लिक करेंगे आपका पावर पॉइंट का प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की है Alt+F4। उसके बाद ये मैक्सिमाइज और रीस्टोर का बटन है, इस वक्त ये पोजीशन रीस्टोर की है, क्लिक कर मैक्सिमाइज हो जाता है, फिर क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा। ये साइन जो है इसको मिनिमाइज कर देते हैं, क्लिक करें मिनिमाइज हो जाएंगे, इसको मिनिमाइज को दोबारा आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर की पोजीशन हो जाएगी। ये आप इतना ऐसा देख रहे हैं, इस बार को क्विक एक्सेस बार कहते हैं, और ये बटन हमारा ऑफिस बटन कहलाता है, जिसमें हमारे पास फाइल, नई फाइल बनाना, फाइल को ओपन करना, फाइल को महफूज करना, फाइल को नए नाम से महफूज करना, फाइल का प्रिंट लेना और फाइल सिंपल का मालूमात है, और प्रोग्राम को क्लोज करना है। उसके बाद सेकंड लाइन पे आ जाएं। सेकंड लाइन में ये आप लोग देख रहे हैं कि इनको, जैसे कि पहले इस चीज को हम लोग मेन्यू बार कहते थे, लेकिन अब ये टैब कहलाते हैं। होम का टैब हो गया है, इंसर्ट का टैब हो गया, डिजाइन का टैब हो गया, एनिमेशन, स्लाइड, रिव्यू और व्यू, ये तमाम टैब हैं पावर पॉइंट के। होम के टैब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस टैब में आप लोग ये फर्स्ट ग्रुप देख रहे हैं, इस ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड, और इस ग्रुप के बीच में जो ये आप आइकॉन देख रहे हैं, जैसे ये कट का है, कॉपी का है और फॉर्मेट पेंटर का है, पेस्ट का है, तो ये कमांड है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल टैब, टैब में ग्रुप नेम और ग्रुप में कमांड, इसी तरह ये क्लिपबोर्ड के ग्रुप के बाद स्लाइड का ग्रुप है, फॉर्म का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, ड्राइंग का ग्रुप है, एडिटिंग का ग्रुप के बाद आप लोग ये पेज देख रहे हैं। यहाँ पर ये पेज जो है आपका जो है वो स्लाइड कहलाता है, और ये हमारी स्लाइड बार है। जैसे हम लोग ये पावर पॉइंट में कोई भी आप जब टाइटल पेज बनाते हैं तो वो हमारी टाइटल स्लाइड कहलाती है। इसके बाद ये आप इस स्लाइड के बारे में नोट लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इस लाइन को, जहाँ ये स्लाइड की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितनी स्लाइड आपके पास है, इस बार को या इस लाइन को स्टेटस बार कहते हैं। इस लाइन को या इस बार को क्या कहते हैं जी? स्टेटस बार। ये इस पावर पॉइंट का सारा इंट्रोडक्शन है।